समूह पर बैटल ऑफ अबर्डीन एक सशस्त्र संघर्ष था जो 14 मई 1859 को ग्रेट एनमनीज तथा ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की सेनाओं और कुछ हद तक रॉस आइलैंड पेनल कॉलोनी के बीच हुआ था. So ladies and gentlemen, let's have a glimpse of the Battle of Aberdeen on the stage, presenting by the students of PM Shri GSSS Campbell Bay. स्वाधीनता संग्राम अंडमान की धरती पर भी लड़ा गया जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते. यह संग्राम अबर्डीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है. इस संग्राम के नायक थे आदिम जनजाति ग्रेट अंडमानी समुदाय के वीर जवान और यह युद्ध लड़ा गया देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के 2 वर्षों बाद मई 1861 के दिन. दरअसल 1857 की क्रांति के वीरों को गिरफ्तार कर 200 बंदियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा. इन बंदियों को खुली जेल में रखा जाता था. इन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी. समय जनजातियां ही यहां के मूल निवासी थे. एक कैदी दूधनाथ तिवारी आखिरकार अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए. तिवारी ने भाग कर ग्रेट अंडमानी समुदाय के पास शरण ली.
आ, आ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं दूधनाथ तिवारी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। समुदाय ने उसे प्रेम पूर्वक अपने संग्रह दिया, यहाँ तक कि एक लड़की लीपा का विवाह तिवारी से करवा दिया। तिवारी ग्रेट अंडमानियों के संरक्षण में एक वर्ष 24 दिन रहे। अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि ग्रेट अंडमानी अपने तीर धनुष और अन्य हथियार तैयार कर रहे हैं। यह सही समय है मेरे यहां से भाग जाने का। अगर मैं अंग्रेजों को इस आक्रमण की सूचना दे दूं तो मैं इन जनजातियों के चंगुल से छुटकारा पा सकता हूं। ग्रेट अंडमानी अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। दूधनाथ तिवारी का विवेक डगमगा गया और वह रात को कबीले से निकल भागा और कैदी बस्ती के अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। सर, 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 अरेस्ट दिस बास्टर्ड। मैं आपका मदद करने आऊं साहब, मैं आपका मदद करने आऊं। ओह रियली, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प? हाँ साहब, वो जनजाति लोग आपको मारने की योजना बना रहे हैं, आपको मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं साहब। ओह रियली, थैंक यू मिस्टर तिवारी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आवर गवर्नमेंट विल रिवार्ड यू। थैंक यू सो मच मिस्टर तिवारी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, धन्यवाद साहब। को ग्रेट अंडमानी ने तीर धनुष लेकर अबर्डीन की अंग्रेज कॉलोनी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पहले ही सूचना मिल जाने से अंग्रेज सतर्क थे। ग्रेट अंडमानी ने कई अंग्रेजों को मार गिराया, लेकिन उनकी तीर धनुष बंदूकों से लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में ग्रेट अंडमानी शहीद हुए। एक विश्वासघाती की वजह से उस दिन अंडमानी जनजाति की बहुत क्षति हुई, बहुत से अंडमानी मारे गए। अंडमानी जनजाति की जनसंख्या कम होते होते 60 के करीब पहुंच गई है। इनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। हर साल
17 मई को अंडमान में अंग्रेजों के खिलाफ पहले युद्ध के याद में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। सो हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि कैसे जो बैटल ऑफ एबरडीन नाम से जाना जाता है कैसे हमारे ग्रेट अंडमानी के साथ हुआ था। सो एक हमारे एक छोटा सा प्रयास रहा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू आवर स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेटिंग एंड गिविंग सच ए परफॉर्मेंस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति थी।